अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले रिवालिटी अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो सॉल्यूशन कर चुके थे, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 हम लोग तीन क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। विकास माइनिंग कंपनी जो है वो एक माइनिंग लीज ले रहा है। रॉयल्टी 1 रुपया पर टन है, मिनिमम रेंट है 8,000 रुपया, फिक्स्ड है पहला साल का और दूसरा साल का 12,000, तीसरा साल का 16,000 है और उसके बाद चौथा पांचवा में भी 16,000 रहेगा क्योंकि देयर आफ्टर लिखा हुआ है। शॉर्ट वर्किंग ऑन एनी ईयर कुड बी रिक्यूब बाय रॉयल्टी नेक्स्ट 2 ईयर ओनली। कोई भी शॉर्ट वर्किंग को हम लोग सिर्फ 2 साल में ही रिक्यूब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 साल का ईयर प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें चेंज इन मिनिमम रेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, आपको इतना पता है। आउटपुट गिवन रहता है, रॉयल्टी को हम लोग इंटू करते हैं आउटपुट से, जितना रुपीज़ दिया रहता है पैसा में दिया रहता है उसके हिसाब से इंटू करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद मिनिमम रेंट गिवन रहता है, फिर शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस हम निकालते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं, रॉयल्टी कम रहेगा मिनिमम रेंट ज़्यादा रहेगा तो शॉर्ट वर्किंग होगा, और रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा मिनिमम रेंट कम रहेगा तो सरप्लस होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो भी सरप्लस होता है वो रिक्यूब्ड होता है। तो पहला साल का 3-4 हज़ार है तो नेक्स्ट 2 ईयर में ही रिक्यूब करना है। तो दोनों साल में देखिए 2 और 3 ईयर में सरप्लस नहीं हुआ इसलिए 4 हज़ार रिक्यूब नहीं हुआ, उसके बाद इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि वो रिक्यूब नहीं हुआ। फिर दूसरे साल में 3,000 है, 3,000 में नेक्स्ट 2 ईयर में ये और ये नेक्स्ट 2 ईयर में, तो देखिए 2,000 का हुआ है तो 3,000 में 2,000 रिक्यूब हो गया तो 1,000 रुपया ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर 4,000 का शॉर्ट वर्किंग है, उसमें से 8,000 रुपया सरप्लस हुआ तो 4,000 रुपया पूरा रिक्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री मैं आपको बता चुकी हूँ, जर्नल एंट्री और क्या होते हैं लेज़र भी सारा बता चुके हैं। तो आई होप आप ट्राई किए होंगे, आप मैच कर लीजिए मेरे को आंसर से। ठीक है, इसके आगे और एंट्री होगा वो आपको खुद पास करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है बी कंपनी जो कि मिनिमम रेंट है, इसमें देखिए 12,000 एनुअली और 18,000 एनुअली है, इसमें 1 रुपया पर टन है शॉर्ट रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग जो है वो सब्सिक्वेंट 2 ईयर में है। ठीक है, ये 12,000 एक ये 18,000 कमेंसमेंट से पहले तक का 12,000, उसके बाद तक का जितना भी है वो 18,000 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा होगा कमेंस जो हो रहा है 1 अप्रैल 2012 को, मतलब 1 अप्रैल 2012 से पहले जो है मिनिमम रेंट वो 12,000 का, उसके बाद जो रहेगा वो 18,000 का रहेगा। आउटपुट दिया हुआ है, चलिए बना लेते हैं हम लोग। आउटपुट जो है वो 11 और 12 का गिवन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट 2013 से गिवन किया गया है आउटपुट, 13, 14, 15 और 16 का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 2 साल का नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग उसको 2 साल का ये कर देंगे। रॉयल्टी भी इंटू 0 होगा तो 1 से 0 ही हो जाएगा। मिनिमम रेंट बोला है जबकि 9,000 रुपये होगा और फिर 12,000 रुपया होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिख दिया है कि कमेंसमेंट से पहले 12,000 रुपये है, उसके बाद 18,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहला साल का आप बोलेगा कैसे निकाल दिए, तो पहला साल का जो है वो हम लोग 2012 को इंटू करेंगे 9 × 12 इक्वल्स टू 9,000 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पे वर्किंग मैं की हूँ 2011 का, ये शॉर्ट वर्किंग जो है वो 9,000 रुपये वहाँ पे जाएगा, सॉरी मिनिमम रेंट जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस निकल जाएगा, फिर रिक्यूब करना है हम लोग को। 9,000 को रिक्यूब नहीं होगा क्योंकि दो नेक्स्ट 2 ईयर में सरप्लस नहीं इसलिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। 12,000 के लिए नेक्स्ट 2 ईयर में 7,000 रुपये रिक्यूब हो रहा है तो 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा, 7 × 5 = 12 होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में। 3,000 के लिए इसमें से पूरा रिक्यूब हो गया, 2,000 रुपये यहाँ पर रिक्यूब हो रहा है, 1,000 रुपये बच रहा है ट्रांसफर हो जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये सरप्लस 12,000 रुपये का था डायरेक्ट 12,000 रुपये रिक्यूब हो गया। ये बन गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। फिर हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे।
13 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मोहन जो है वो रॉयल्टी ले रहा है हाफ ईयरली। हमने जो इतना भी क्वेश्चन बनाया सब ईयरली था, ये हाफ ईयरली मतलब साल में दो बार। पैसे में है इसका रॉयल्टी, तो इसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो रुपीज़ आ जाएगा। मिनिमम रेंट है 6,000 रुपया। और देखिए पहला साल में सितंबर में इतना टर्न हुआ, मार्च में इतना टर्न हुआ, एक ही साल का दो बार है, इसका एक साल का दो बार है, इसका एक साल का दो बार है। तो चलिए बनाते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, तो ईयर में आपको ऐसे लिखना है 3 साल में, तो पहला सितंबर में 4,000, इसमें 7,000, इसमें इतना 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 इतना, फिर रॉयल्टी है इसको इंटू करके आप लिख दीजिए तो आ जाएगा इतना। 6,666 तीन साल का दिया हुआ है मिनिमम रेंट, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करिए, इसको यहाँ 3,500 प्लस 2,000 कितना हो जा रहा है 5,500, और ये 6,000 कौन बड़ा है, तो मिनिमम रेंट बड़ा है इसलिए 5,500 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। इसी तरीके से ये दोनों को आपको प्लस करके इससे कंपेयर करना है, इसमें भी मिनिमम रेंट बड़ा है इसलिए 400 शॉर्ट वर्किंग हो गया। ये दोनों को कंपेयर करने पर यहाँ पर रॉयल्टी बड़ा है इसलिए सरप्लस हो गया 500 रुपया, सरप्लस रिक्यूब हो गया। पहला साल का दो साल में रिक्यूब करना है 500 रुपया था नॉट वर्किंग, अच्छा नेक्स्ट टू ईयर में करना है, ठीक है। तो इसका एक साल ये दूसरा साल, तो ये रिक्यूब नहीं हो रहा इसलिए 400 का हम लोग यहाँ पर रिक्यूब कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो बन गया। आप इसका रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड मिनिमम रेंट अकाउंट जो है वो खुद से ट्राई करिएगा। आई होप आप बना ले रहे होंगे खुद से, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ओके बाय।